और कई पार्टियों ने पीएसपी जैसी पार्टियों ने सपोर्ट दी। देखिए ये डिस्ट्रैक्शनरी डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है। अब इनको पता है कि इस तरह की बयानबाजी जो राहुल गांधी जी के खिलाफ हो रही तो पूरा देश बोलने लगा है, तो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये अचानक लेके आए। मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही अनप्रैक्टिकल है, ये हो नहीं सकता। हिंदुस्तान एक डाइवर्स नेशन है, हिंदुस्तान मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान एक बहुत ही स्ट्रांग फेडरल कंट्री है। अब इसमें अगर कोई सरकार कहीं गिर गई, किसी का मैंडेट जो लोगों ने दिया था फ्रैक्चर, अगर मैंडेट है, सरकारें गिन गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया, कोई आर्टिकल 357 का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, तो क्या सरकार चाहती है कि अगले दो साल तीन साल का अगर टाइम है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर रूल करे? क्या चाहते हैं गवर्नर के थ्रू ये रूल करे? अब इससे एकदम ये हो जाएगा कि जितने अपोजिशन की सरकारें बने हुए हैं उसको एक एक करके गिरा देंगे। वो तोड़ने की साजिश तो करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स को हटाने की साजिश तो करते हैं, हाउसेस ऑफ गवर्नर को इस्तेमाल करने की करते रहते हैं लगातार है। तो अपोजिशन की सरकारें गिरा देंगे दो साल तीन साल चार साल जहां पे, और कहेंगे कि केंद्र सरकार वन नेशन वन पोल के आड़ में अगला इलेक्शन जब होगा जब इलेक्शन होगा। तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है। ये सिर्फ ये देश को बचाना चाह रहे हैं, देश को ये बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा काम करे देश के हित में, देश की डेमोक्रेटिक सेटअप जो है उसे छेड़छाड़ ना करें, जैसा चल रहा वैसा चलने दें। अगर वाकई में सुधार लाना चाहते हैं तो सारे पार्टियों को ऑन बोर्ड लेके इलेक्शन में कैसा सुधार लाएं, कैसा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें, कैसा टेक्नोलॉजी का अगर मिसयूज हो रहा तो उसको कैसा सुधारें, ईवीएम्स का मिसयूज हो रहा तो कैसा सुधारें, जो करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए जो कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स के द्वारा जो इस्तेमाल उसमें होता उसका कैसा सुधार हो, जो पोर्ट्स में सेलेक्टेड पोर्ट्स में जो ड्रग्स आते हैं उसको जो पैसा जो आता है उसका जो इलेक्शंस में जो इस्तेमाल होता है उसमें कैसा उसको कैसा खत्म करे, इस चीज पे बातचीत होना चाहिए। वन नेशन वन पोल अल्टीमेटली बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज है और ये इसे लागू करना बहुत ही मुश्किल होगा।